घर का बना खाना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें नए वीडियो के लिए। हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो लॉलीपॉप्स। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें चार मीडियम साइज के आलू को, जिनको मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा है, वो हाथ से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कद्दूकस का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज, आधा कप बारीक कटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 3/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 3/4 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 3/4 टीस्पून आमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और आधा कप ब्रेड क्रम्स डाल के मिला लेंगे। हम इसे अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे ताकि ये एकदम आटे की तरह बन जाए। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून मैदा डालेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। हमें जो ये पेस्ट बनाना है ये बहुत पतला होना चाहिए। अब हम एक प्लेट लेंगे और उसमें आधा कप ब्रेड क्रम्स का डाल देंगे। फिर हम इसमें 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स का डालेंगे और 1 टीस्पून ऑरिगेनो का, और फिर हम इसे मिला लेंगे। अब हम सारी चीजों को एक साथ रखेंगे और हथेली पे थोड़ा सा तेल डाल के हाथ को चिकना कर लेंगे। फिर हम ये आलू का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसका छोटा सा बाउल बना लेंगे हाथ पे रोल करके। फिर हम इसे इस मैदे वाले पानी में डालेंगे और एक चम्मच की मदद से इसको हर तरफ से गीला कर लेंगे। हमें इसे बहुत हल्के हाथ से करना है। फिर हम इसे चम्मच से ही निकाल के ब्रेड क्रम्स में डाल लेंगे और ब्रेड क्रम्स को हर तरफ से लपेट देंगे। फिर हम इसे हाथ पे लेंगे और फिर से इसे रोल कर लेंगे ताकि जो ये ब्रेड क्रम्स है अच्छी तरह से इस पे लिपट जाए। ये देखिए हमारा एक बॉल बन गया है। इसी तरह से हम बाकी भी बॉल बना के रेडी कर लेंगे। अब ये बॉल्स बन के रेडी हैं, तो अब हम इनको फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में तेल डाल के गरम कर लेंगे। तेल को चेक करने के लिए हम उसमें एक टूथपिक डालेंगे। अगर जो टूथपिक के पास से बबल्स निकल रहे हैं तो इसका मतलब तेल अच्छा गरम हो गया है। अब हम इसमें ये बॉल्स डाल देंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हम इसे बीच बीच में हल्के हाथों से पलटते रहेंगे ताकि ये बराबर से गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब ये हर तरफ से फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इसे एक पेपर टॉवल पे निकाल लेंगे। हमारे पोटैटो लॉलीपॉप्स एकदम रेडी हैं। इसको गर्मा गर्म सॉस या चटनी के साथ सर्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर जो आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे बाकी वीडियोज देखने के लिए आप इन इमेज लिंक पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।